करो करो बच्चे करो। रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आज जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा है यहाँ पर एक फ्रेंडली डेज ड्राइव स्टार्ट करी है, ये नेहरू युवा केंद्र के कुछ वॉलंटियर्स के साथ और साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटरा के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के ये ड्राइव यहाँ पर आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नवरात्र के जो ये शुभ दिन है यहाँ पर कटरा में बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं जो डिवोटीज़ हैं वो यहाँ पर पे आते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जब यहाँ आएंगे तो जो हमारे म्यूनिसिपलिटी के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर लोड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक फेस्टिव माहौल है सारे में। तो लोगों को बस ये याद हम कराने के लिए कि जो स्वच्छ भारत का जो एक नारा है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसको एक साकार रूप देने के लिए हर छोटे बड़े इवेंट में, हर छोटे बड़े फंक्शन में, चाहे वो हमारी सड़कें हों, हमारे जो फील्ड्स हैं जहाँ पर किसी तरह की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, अलग अलग वेन्यूज़ हैं यहाँ कटरा में, तो वहाँ सब जगहों पर हम लोगों को ये याद दिलाते रहें कि जो स्वस्थ भारत है, स्वच्छ भारत है, उसका हमें जो ये ध्येय है ये साथ साथ हमें फॉलो करते रहना है अपनी जो सेलिब्रेशंस हैं उनके साथ भी। जैसा कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो कि यूथ अफेयर्स का भी देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने इसी महीने एक मंथ वन मंथ लॉन्ग जो क्लिनलीनेस ड्राइव है वो स्टार्ट करी है और उनका यही कहना है कि जिस तरह से एक पार्ट ऑफ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिसका कि रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने यहाँ पर मल्टीमीडिया एग्जीबिशन भी रखा है 8 दिन का, तो ये इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट भी है। और जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी ये चीज़ कही है कि जिस तरह से आज़ादी के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे को ब्रिटिशर्स से हमारे को आज़ादी दिलाई थी, इसी तरह से जो हमारा यूथ है वो आज़ादी दिलाएगा हमारे को गंदगी से, गार्बेज से। तो इसी जो ये मुहिम है इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर ये क्लिनलीनेस ड्राइव का एक आयोजन कर रहे हैं। मेरे सभी जो लोग कटरा में आ रहे हैं चाहे वो लोकल्स हैं या जो बाहर से आ रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप कटरा को ऐसे ही स्वच्छ बनाए रखें और हमारा साथ दें। हमारी यही कोशिश है कि ये इस क्लिनलीनेस ड्राइव के थ्रू ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज भी पहुँचे और वो स्वच्छ भारत के जो ये मिशन है उसमें हमारा और सरकार का साथ दें। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि जो 8 दिन की प्रदर्शनी है, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन है जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कटरा में लगाया गया है, यहाँ पर आप लोग प्लीज़ आएँ। यहाँ पर शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स भी चलते हैं, अलग अलग वेन्यूज़ में बहुत सारे हैं, बट मैं मल्टीमीडिया एग्जीबिशन के बारे में ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी कि इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, वो चाहे किसी भी स्टेट से हों, जम्मू कश्मीर का भी उसमें है, हिमालयन स्टेट्स के ऊपर एक स्पेशल फोकस है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि आनंद है और ये स्वच्छता की जो आज मुहिम हमने शुरू की है, ये हमने ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लिए हम स्वच्छता के लिए हम यही सबसे भी अपील करेंगे और ख़ुद भी हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम घर से शुरुआत करेंगे तो ही हमारा भारत क्लीन हो सकता है, नहीं तो अगर हम बोलेंगे, अगर दूसरों को हम देखते रहें कि नहीं, हमें खुद से जब तक क्लीननेस नहीं शुरू करेंगे घर से, अगर जब तक हम अपना जो प्लास्टिक पोल्यूशन, जो अलग से प्लास्टिक चीज़ों को अलग नहीं रखेंगे, गीली चीज़ों को अलग नहीं रखेंगे, सूखियों को अलग नहीं रखेंगे, तब तक हमारा भारत क्लीन नहीं हो सकता। तो हमारी ये मुहिम है कि भारत के जो सभी लोग हैं उनसे कि वो ये प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें, जितना हो सके प्लास्टिक का कम यूज़ करें और अपने देश को क्लीन करें। ये हमारी जो है ये पूरे मंथ की जो हमारी ड्राइव है ये हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी चलती है, नेहरू युवा केंद्र उधमपुर, हमारे पूरे उधमपुर के हर एक विलेज में ये जो है चल रही है। अब तक हमने काफ़ी जो है हम टोटल बहुत सारा हमने प्लास्टिक कलेक्ट कर लिया है और हमने ये हमारी मुहिम है कि अब पूरे महीने में हम जितना हो सके अपने कम से कम उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट पूरे को हम क्लीन करेंगे जितना पॉसिबल हो सके। ये तब तक क्लीन नहीं हो पाएगी जब तक हम इंडिविजुअली हर एक इंसान घर बैठा इंसान वॉलंटियर नहीं बनेगा और वो प्लास्टिक को कम यूज़ नहीं करेगा। मेरी यही अपील है सबसे कि वो सब प्लीज़ प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए अपनी तरफ से ज़रूर करें। प्लास्टिक बोतल हो गई या तो अपनी ये जो वन टाइम प्लास्टिक पॉलीथीन जो बैग यूज़ करते हैं
गवर्नमेंट भी यूज़ करती, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि वो इसको बंद कर सके, छापे भी बचते हैं लेकिन फिर से वही शुरू हो जाती है। तो ये बात ही आ जाती है कि अल्टरनेटिव्स हमारे पास कम रहते हैं, लेकिन अगर हम क्लोथ बैग्स लें खुद से घर पे, अगर हम इतना तो हम हर कोई इंसान इतनी सिलाई बुनाई जानता है कि वो एक क्लोथ बैग घर पे खुद बना सकता है। तो जब हम क्लोथ बैग का यूज़ करना शुरू करेंगे, वाटर बॉटल्स का अगर अल्टरनेटिव ये है कि हम घर पे जो स्टील की बॉटल्स हैं एक ही बार लेनी है, वाटर बॉटल का क्या, अगर हम अपने साथ एक पानी की बॉटल रख सकें तो कितनी जानें बच जाएंगी। हम देखते हैं कितने एनिमल्स जो हैं वो प्लास्टिक खाने से, कितनी गाय हमारी लोकल मर रही हैं, तो क्या हमें उनका ध्यान नहीं देना है? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे लगता है हमें घर से अल्टरनेटिव सोच रखनी है, सोच को बदलना है, तभी देश बदलेगा।